आज छात्र संगठन डीएसओ ने रैली निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन। डीएसओ कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि पूरे देश भर में तमाम सरकारी उपक्रम हैं, उनको निजी हाथों में देने की सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ पूरे देश भर में हड़ताल बुलाई गई है। उसी को लेकर आज छात्र संगठन डीएसओ द्वारा तमाम सेवा क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज अस्पताल में निजीकरण करने की नीति बनाई गई है, उसके खिलाफ आज रैली निकाल उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बताए किस संदर्भ में आज रैली निकाली आपने? आज पूरे देश भर में तमाम सरकारी उपक्रम हैं उनको निजी हाथों में देने की जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ में पूरे देश भर में आज हड़ताल बुलाई गई है। उसी को लेकर आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा तमाम जो सेवा क्षेत्र हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इनको निजी करने की जो सरकार द्वारा नीति बनाई गई है उसके खिलाफ में आज एक आम छात्र हड़ताल बुलाई गई है। इसी को लेकर यहाँ पर आज रैली निकाली गई है जो कि हनुमान चौराहे से लेकर शास्त्री पार्क तक रैली निकाली जाएगी। और हम लोग इसके द्वारा मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी उपक्रम हैं, चाहे वो रेल हो, गेल हो, खेल हो, एनएफएल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इनको चलाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इनको ठेके पर नहीं देना चाहिए। इनका निजीकरण करना गलत है और इसी के खिलाफ में आज यहाँ पर निजीकरण के खिलाफ में रैली निकाली गई है। आज पूरे देश भर में छात्र संगठन डीएसओ की तरफ से आम छात्र हड़ताल की जा रही है। मंडी में आज से शुरू हुई किसानों की डाक। कई दिनों से हो रहे थे किसान परेशान। मंडी में डाक न होने के कारण किसान कई दिनों से परेशान हो रहे थे, जिसको लेकर किसानों ने मंडी कार्यालय में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। समस्या का निराकरण करते हुए आज फिर से डाक शुरू हो गई है। नानाखेड़ी में थोक सब्जी विक्रेताओं के लिए आवंटित की गई जगह से आज एसडीएम शिवानी गर्ग द्वारा हटवाया गया अतिक्रमण। बता दें कि नानाखेड़ी उमरी रोड पर थोक सब्जी विक्रेताओं के लिए प्रशासन द्वारा जगह आवंटित की गई है। वहां पर आज एसडीएम शिवानी गर्ग द्वारा निरीक्षण किया गया व वहां पर पहले से हो रहे अतिक्रमण को और पुराने पीएचई विभाग के बने हुए क्वार्टर्स को जेसीबी द्वारा हटवाया गया। जहाँ सब्जी वालों को बैठाया वहीं कचरा डालकर उन्होंने नालियां भर दी। स्थिति सामने आते ही नाराज हुई एसडीएम। एसडीएम शिवानी गर्ग द्वारा जिन सब्जी विक्रेताओं को हार्ट रोड के रास्ते पर पुरानी गल्ला मंडी में बैठा दिया था, उन्होंने बैठक स्थल पर ही सफाई नहीं रखी। यहां तक कि सब्जी से निकली हुई वेस्टेज को भी दुकानों के बाहर बनाई गई नालियों में ही भर दिया। नतीजा नालियां चौक हो गईं। ये स्थिति सामने आते ही एसडीएम शिवानी गर्ग ने ऐसे सब्जी विक्रेताओं को न केवल सब्जी मंडी के मुख्य चबूतरे पर ही बैठने को कहा, अपितु उनसे नालियां भी साफ कराई। ट्रेड यूनियनों की आज रही हड़ताल, निकाली संयुक्त रैली। स्थानीय हार्ट रोड पर नगरपालिका के पास एक साथ हड़ताल में शामिल होने के बाद हड़ताल में शामिल डीएसओ व इंडिया यूनाइटेड यूनियन सेंटर के कार्यकर्ताओं ने जनगीतों के माध्यम से जोश भरा और नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसी बीच मजदूर नेता विष्णु शर्मा की अगुवाई में ट्रेड यूनियनों की संयुक्त रैली रेस्ट हाउस से शुरू होकर यहीं पहुंच गई। उसके बाद नारे लगाते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये असल में पूरे देश भर की ट्रेड यूनियनों ने, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, बाकी के महासंघ में शामिल जितने भी संगठन है, बैंक, बीमा और बीएसएनएल, पोस्टल सहित तमाम यूनियनें आज के दिन हड़ताल पर हैं। आज पूरे देश में हड़ताल इस कारण हो रही है कि मोदी सरकार ने जो श्रम कानून थे, 44 श्रम कानूनों खत्म करके 4 संहिता बनाने का काम कर रहे हैं, मजदूरों के सारे अधिकार खत्म कर रहे हैं। इसलिए ये पूरे देश में आज जो हड़ताल हो रही है, आज गुना में भी हड़ताल पूर्णतः सफल है। एनएफएल से लेकर पूरी मंडियां बंद है, बाकी के तमाम संस्थानों में आज हड़ताल सफल हुई है। कॉलेज में किताबें नहीं आने की समस्या को लेकर आज छात्र संगठन एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। आज छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा पीजी कॉलेज में एक साथ कार्यकर्ताओं ने कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तक न आने की समस्या को लेकर प्राचार्य वी के तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नई पुस्तकें मंगाए जाने की मांग की गई है। छात्रों ने बताया कि अभी तक आधा समय निकल गया है और स्टेशनरी एवं बुक्स कॉलेज में प्रशासन द्वारा नहीं बांटी गई है, जिससे छात्रों को अध्ययन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कॉलेज प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि किताबें और स्टेशनरी को जल्द से जल्द वितरण किया जाए, जिससे छात्र आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर सके।
पीजी कॉलेज में संपन्न हुई एमए फर्स्ट सेम की परीक्षाएं, आज रहा तीसरा पेपर। कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि एमए फर्स्ट सेम एमएससी फर्स्ट सेम का आज तीसरा पेपर हुआ है, जिसमें करीब 2100 छात्र शामिल हुए हैं। पहले से काफी ज्यादा संख्या में इस बार छात्र परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। जी सर बताए, परीक्षा चलिए। हाँ, परीक्षा है आज, एम ए फर्स्ट सेम एम एस सी एम कॉम फर्स्ट सेम का ये तीसरा पेपर है। इसमें करीब 2100 लड़के बैठ रहे हैं, साथ ही जीएनएम भोपाल की परीक्षा चल रही है, इसमें 300 बच्चे बैठ रहे हैं, ऐसे 24 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। सर पहले से ज़्यादा संख्या है इस बार बच्चों की? हाँ, एल पी जी में पहले से बहुत ज़्यादा संख्या है। पहले तो करीब 1000-1500 तक भी पहुँचे और आज की स्थिति यह है कि 2000 क्रॉस कर गए हैं। एबीवीपी ने जेएनयू में हुई छात्रों के साथ मारपीट के विरोध में आज वामपंथ का जलाया पुतला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू में हुई छात्रों के साथ मारपीट के विरोध में आज स्थानीय अंबेडकर चौराहे पर वामपंथ का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की, बदोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया है कि जेएनयू में वामपंथियों ने कैंपस में घुसकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, जिसके विरोध स्वरूप आज कम्युनिस्ट का पुतला आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जलाया। जी आप देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से, कई दिनों से कम्युनिस्ट पार्टियां जेएनयू और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां अपना कब्जा बनाए बैठी हैं और वहां पे दादागिरी कर रही हैं, खुद किसी बात का विरोध कर रही हैं और आम जनता जो उसको विरोध नहीं कर रही है उनको भी कॉलेज में कोई काम करने नहीं दे रही है। आपने देखा होगा कि कल परसों आम छात्र जो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे थे उन लोगों के साथ जेएनयू में एएसआई और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मारपीट करी, उनके खून खुराना कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उन्हें विरोध नहीं करना है तो आप जबरदस्ती क्यों उनसे विरोध कराना चाहते हैं? और जेएनयू किसी के बाप का नहीं है, अगर वो लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जेएनयू में कम्युनिस्टों द्वारा बहुत बुरी तरह मारा गया है और वो बुरी तरह से घायल है, उसी का विरोध करने के लिए कम्युनिस्टों का पुतला हमने आज पीजी कॉलेज के सामने चलाया है। आईटीआई शैक्षणिक संस्थान निर्भय और एक अन्य पर फर्जीवाड़ा, आज फिर रेवा, कृष्णा और मालवा पर की कार्यवाही। गुना जिला प्रशासन द्वारा आईटीआई शैक्षणिक संस्थानों पर कार्यवाही के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिनके द्वारा जिले में विभिन्न संस्थानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। टीम की इस छापामार कार्यवाही में शैक्षणिक संस्थानों पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जिनमें संस्थानों से छात्र छात्राओं न केवल बराबर मिल रहे हैं तो वहीं छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं संस्थान से नदारद मिल रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन डिस्पोजल विक्रय करने वाले दुकानदारों की सामग्री की गई जब्त। आज सुबह करीब 9 बजे एसडीएम शिवानी गर्ग द्वारा हार्ट रोड रपटे पर लगने वाली सिंगल यूज पॉलीथीन डिस्पोजल का विक्रय कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। उनकी सामग्री आज अमले द्वारा जब्त की गई। वहीं हार्ट रोड पर आज एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के बाहर रखा हुआ सामान भी टीम द्वारा जब्त किया गया। जिले के चाचौड़ा थाना पुलिस की एक टीम द्वारा अमर्श एक्ट में फरार चल रहे आरोपी रामदयाल मीणा, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम बनेट बा, कई मामलों में फरार चल रहे आरोपी नानक राम मीणा, सन ऑफ आसाराम, उम्र 52 साल, निवासी ग्राम नैनवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। रिश्वत लिए बगैर नहीं होती सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की डिलीवरी। प्रसूताओं के परिजनों को पैसे न देने पर किया जाता है परेशान। मैटरनिटी वार्डों में प्रसूताओं के परिजनों को डरा धमका कर वे परेशान कर पैसे ऐंठने का काम बदस्तूर जारी है, और फिर चाहे मामला जिले का हो या ग्रामीण अंचलों का, समय समय पर प्रसूताओं के परिजनों से पैसे लेने और मांगने संबंधित शिकायतें आती रहती हैं। इसके बावजूद भी मैटरनिटी स्टाफ बाज नहीं आता। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर गरीब वर्ग के लोग ही प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए आते हैं, जिसमें स्टाफ द्वारा परिजनों को तरह तरह के डर दिखाकर उन्हें बेवजह परेशान कर पैसे ऐंठे जाते हैं। हाल ही में जिला अस्पताल मैटरनिटी में रिश्वत लिए जाने के कारण एक टीम का भी गठन किया गया था, जिसमें प्रसूताओं के परिजन नर्सों द्वारा पैसे मांगने की शिकायत आसानी से कर सकते थे, और यह जाँच टीम प्रतिदिन मैटरनिटी वार्ड में
जांच पड़ताल भी कर ऐसे निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए थे। कितने था? 500 दे रहा, 600 मांग रही जबरदस्ती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, हाँ, जिनका डिलीवरी हुई है, लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन से गांव से आई हो? गढ़ला से। गढ़ला, बताओ कितने ला तुमसे? 400। कहाँ से आई हो तुम? जिनकी डिलीवरी हुई उनका क्या नाम है? ज्योति भाई समाज के रही का, का? पैसा मांग तो रही है। कितने मांग रही है? पैसा है ही नहीं, अब डिलीवरी चार्ज ही नहीं लगे। कितने मांग रही है? 200 रुपये नाले भी मांग रही है। अच्छा, 600 रुपये दे, 600-700 रुपये नहीं, हम तो 500 रुपये नहीं है भाई, हम पैसे नहीं, हम चार्ज दे भी चाहिए, वही मेरा पैसा ही भी नहीं। हाँ बताओ, पैसे नहीं दिए तो फिर मांग रही है, ना नहीं लिखो। कौन से गांव की होगी? अमरोध की। अमरोध कौन समाज? जाटा। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना प्रकाश में आई है, जिसमें पिता ने अपनी 10 साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कैंट थाना अंतर्गत ललुआ टोरा ग्राम पिपरौदा खुर्द निवासी जगदीश ओझा ने अपनी 10 साल की बेटी के साथ किया बलात्कार। दलवी कॉलोनी गुना में ठेकेदार अरविंद गुप्ता के सोने घर में लगभग 70 लाख रुपए सोने के जेवर, 400 ग्राम चांदी के जेवरातों की चोरी करने के मामले में आरोपी को 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई गई। आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर एमबी ओझा द्वारा चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरोन डॉक्टर रामलखन पिप्पल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।